राजस्थान विधानसभा में शिव के युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आज सदन में नौकरी, रोजगार और युवाओं की बात सीएम भजन लाल शर्मा के सामने रखी। उन्होंने जो सुझाव दिए, अगर सरकार उसे मान लेती है तो यकीनन प्रदेश में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो पहले आप रविंद्र सिंह भाटी का ये भाषण सुनिए, इसके बाद बताते हैं कि क्या वाकई ऐसा कहीं देश में हो पाया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान स्थानीय को रोजगार के मामले में आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं उस पश्चिमी राजस्थान के उस सीमांत क्षेत्र से आता हूं जहां हमेशा से भौगोलिक रूप से अभाव रहे, रोजगार के कोई साधन नहीं थे। हमारे लोग रोजगार के लिए, व्यापार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में गए और उन्होंने अपना काम किया। वर्तमान में स्थितियां परिस्थितियां अलग है। हमारे उस क्षेत्र में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आई है और व्यापार के लिए तमाम जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज आई है उस क्षेत्र की तरफ से, उस क्षेत्र के आम लोगों की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। चल रहा है माननीय सदस्य, साथ ही आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे स्थानीय जितने युवा हैं उनको उन मल्टीनेशनल कंपनीज में रोजगार मिले ताकि वहां के युवा मुख्य धारा से जुड़ सके। आप देखेंगे कि कर्नाटका में भी थोड़े दिन पहले एक नया बिल लाया गया जिसमें 50% रिजर्वेशन की बात की गई, स्थानीय को रोजगार में वरीयता की बात की गई। कुछ दिन पहले हरियाणा में एक बिल पे डिस्कस हुआ जिसमें कहा गया कि साहब स्थानीय को रोजगार के लिए हम 70-75% तक स्किल और अनस्किल में हम रिजर्वेशन देंगे। मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश की सरकार से कि आप स्थानीय को रोजगार दें, युवाओं को आगे बढ़ने का एक मौका दें। अगर वहाँ पर स्थानीय कंपनियों में युवाओं को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वो बॉर्डर मजबूत हो पाएगा, वो सीमांत क्षेत्र मजबूत हो पाएगा। आज के समय में तमाम युवा साथी बेरोजगारी के उस आलम से गुजर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। उनकी पीड़ा को समझना चाहिए और स्थानियों को वहाँ की मल्टीनेशनल कंपनीज में, चाहे वो सोलर की हो, विंड की हो, पेट्रोकेमिकल की हो और तमाम सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में, उन युवाओं को रोजगार के नए संसाधन देने चाहिए। और साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि उनको स्किल के रूप में, उनको अच्छी स्किल देके तैयार भी करने की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की और हम सब की मिलकर होनी चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा कि स्थानीय को आप रोजगार देने का श्रम कराएं। धन्यवाद। बता दें कि जो मुद्दा रविंद्र सिंह भाटी ने आज सदन में उठाया वो लोक लुभावन और राजस्थान के युवाओं के लिए फायदेमंद हो सकती है, पर क्या इससे पहले किसी और राज्य ने ऐसा कार्य किया है? अगर हाँ तो ये कितना सफल या असफल रहा ये भी जान लीजिए। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने भाषण में कर्नाटका और हरियाणा की बात कही तो हरियाणा ने साल 2020 में, आंध्र प्रदेश ने साल 2019 में और झारखंड ने साल 2023 में निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी। तीनों राज्यों ने सैलरी की लिमिट के साथ आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला अटक गया। सबसे पहले बात कर्नाटक की करें तो सिद्धारमैया सरकार ने सोमवार यानी 15 जुलाई को स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण वाला विधेयक पारित किया था, लेकिन कॉरपोरेट और इंडस्ट्री ने इसका विरोध किया। इसके बाद सिद्धारमैया सरकार ने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में लोकल को रिजर्वेशन देने के फैसले पर रोक लगा दी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश विधानसभा में साल 2019 में स्थानीय लोगों के लिए आंध्र प्रदेश रोजगार विधेयक पारित किया। स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियों को आरक्षित करना था। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की YSRCP सरकार ने मई 2019 में विधेयक पारित किया था। ये मामला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने विधेयक को लेकर कहा था कि ये असंवैधानिक हो सकता है। 2020 में हरियाणा ने भी एक विधेयक पारित किया था जिसमें स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में 30,000 रुपए प्रति महीने तक वेतन वाली 75% नौकरियों को आरक्षित किया था। इस कानून को फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने चुनौती दी थी, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट गए और दावा किया कि ये कानून हरियाणा में कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। फिर कोशिश झारखंड ने की, राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण को लेकर ये प्रयोग किया था। दिसंबर 2023 में हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए वर्ग थर्ड और वर्ग फोर्थ राज्य सरकार की नौकरियों में 100% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करते हुए अधिवास विधेयक पारित किया।
राज्यपाल राधाकृष्णन ने कुछ दिनों बाद विधेयक वापस कर दिया। राज्यपाल ने विधेयक को वापस करते हुए हेमंत सोरेन सरकार से इस पर पुनर्विचार करने को कहा। राजभवन ने कहा कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना का उल्लंघन करता है, जो समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। दोबारा इस विधेयक को 2023 में पारित किया गया बिना किसी बदलाव के। हालांकि इसे राज्यपाल की सहमति के लिए नहीं भेजा, ऐसे में ये लागू नहीं हो पाया। चार राज्यों में ये प्रयोग असफल ही रहा है। हाल रविंद्र सिंह भाटी ने स्किल को लेकर जो बात कही वो पूरी हो सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार भी कई योजनाएं ला चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर युवाओं के स्किल को सुधारने के लिए कई काम कर सकती है। अब देखना होगा रविंद्र सिंह भाटी की ये मांग राजस्थान सरकार मानती है या नहीं।